कंडीशंस है बैटिंग के लिए। सैंडी एक बार फिर पर यहां पे शॉर्ट रन गेंद और क्या भेजने में सफल, चार रन और मिलते हुए, रन अतुल बहुत तेजी से आ रहे हैं और इसके साथ 100 रन भी पूरे होते हुए, बहुत मुश्किल शॉट हुए हैं दोनों। 50 रन पहले, 50 रन 33 गेंदों में और दूसरों में ज्यादा फर्क नहीं, 34 गेंदों में दूसरे 50 रन आते हुए, तो तेज गति से रन आ रहे हैं। बड़ा अच्छा बैलेंस है क्रीज पे, आगे पीछे फुटवर्क जो है ध्रुव का, जेन्युइन खिलाड़ी है बिल्कुल एकदम। और बैकफुट से ऐसे शॉट लगाना डाउन द पिच, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होनी चाहिए। और ये यामा फसिनो बहुत ही बेहतरीन, एक स्कूटर है, बेहतरीन मशीन है, और कोई युवा हो या फिर जो लगातार चलाता रहा हो, मुझे लगता है कि ऐसी मशीन है जिससे आप फैसिनेट होते हैं। और फिलहाल मुझे लगता है कि जो बैटिंग चल रही है उससे आप फैसिनेट है ज्यादा। इस बार फिर से स्क्वायर द विकेट, खराब गेंद और सही नसीहत। राजीव ऐसे बैट्समैन है जो कि ऐसे गेंदों को छोड़ेंगे नहीं, बेशक ध्रुव सेट है, राजीव जिस अंदाज से खेल रहे हैं देखिए क्या बढ़िया पोजीशन में आते हैं। खराब गेंद भी है, मुझे लगता है कि आपने पीछे प्रोटेक्शन नहीं है। और राजीव ने पिछले मैच में चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे शानदार 40 रन बनाए थे सिर्फ 12 गेंदों में, और पिछले सीजन में भी अकेले ही कितने ही मैच जिताए हैं उन्होंने, पहले ऊपर भी बल्लेबाजी करते रहे हैं, पर अब मुझे लगता है कि शायद कप्तान ने देखा है कि एक इंश्योरेंस के रूप में इन्हें नंबर 4 पे रखा है कि कभी फंसे मैच तो एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए, क्योंकि जब पहले आप ओपनिंग कर लेते हैं तो आपके पास प्रेशर रहता है कि 6 ओवर को इनकैश करने का, तो बड़ी विकेट कई बार आप ध्रुव ऐसे हैं जो कि आप फ्रंट फुट पे बहुत बढ़िया टाइम कर रहे हैं, हालांकि इस गेंद पर रन नहीं मिला, 12 ओवर की समाप्ति, 106 पे दो। चालीस गेंदे बची हैं, 63 रन चाहिए और कोशिश कर रहे हैं जीशु, अटेम्प्ट कर रहे हैं फ्लाइट करके कि भाई आप ऊपर का शॉट मारें, सही नीति है ये। उदय तिवारी ने पिछले मैच में चंडीगढ़ में भोजपुरी दबंग्स की तरफ से 90 रन बनाए थे, बड़े जबरदस्त रन। देखिए बहुत दिलचस्प ये फील्ड सेटिंग है, अगर आप जीशु की बात करें और जैसे आप बात करते हैं तो ऑफ साइड में लगभग एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे है और एक थोड़ा डीप है, थोड़ा फाइन है, ये अनऑर्थोडॉक्स पोजीशन है, आमतौर पर ऐसी पोजीशन में कोई खिलाड़ी होता नहीं है। पर यही फील्ड लेके पिछले मैच, पिछले ओवर में जीशु ने एक लूज बॉल कट के ले दिया, तो अपने फील्ड के लिहाज से भी 6 गेंदे डालना ये भी बहुत मुश्किल काम रहता है कई बार, और यही अब प्रोग्रेशन है गेम का खिलाड़ी कि आप किस तरह से प्रेशर डाल के मजबूर करें गेंदबाज को एक लूज गेंद देने के लिए। आप जब क्रीज की इस्तेमाल करते हैं, आगे पीछे होते हैं, अपना जो ट्रिगर है वो अगर बल्लेबाज गेंदबाज को दिखा दें तो कहीं गेंदबाज अपने फ्लो को रोक नहीं पाते, तो यही है कि अब प्री डिटरमिंड आप स्टेप आउट करें या पहले ही क्रीज में घुस जाएं, आगे की बॉल को कट के लिए बना लें, तो ये सारी वेरिएशंस बहुत जरूरी है और अच्छी सपाट पिच पे आप कर सकते हैं। या दबंग्स के रवि किशन भी आप आते हुए उनको सपोर्ट लिए, जल्दी दिखेंगे एक्शन में भी अब अगले मैच में। फिलहाल 13 ओवर की समाप्ति समझ सकते हैं और जल्द से जल्द आप कॉल करिए 5333599 पे और 1,00,000 रुपए आप जीत सकते हैं, जी हां नकद राशि, तो एक का बेहतरीन आपके पास मौका है 1,00,000 रुपए जीतने का। फिलहाल ये अच्छा ओवर अभी तक मोहन का, थोड़ा सा वीपी एक्शन भी है, वाइड द क्रीज जा रहे हैं, गेंद को अंदर लाने में कामयाब हो रहे हैं, कुछ अच्छे ओवर चाहिए, दबाव डालना होगा। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 9 से नीचे है, 8 विकेट आपके हाथ में है, पर हाँ यहाँ पे एक या दो ओवर, एक विकेट और एक टाइट ओवर जो है 10 से ऊपर ले जाता है, फिर आप पैनिक करते हैं और धीरे धीरे देखते देखते बिल्कुल जो नजारा है बदल सकता है। 49 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं ध्रुव अब 37 गेंदों में, 7 चौके 1 छक्का लगाया उन्होंने अब तक, ये पहले से ही मन बना लिया था उठा के मारना है पर गेंद नहीं था ये, और जिस तरह से बाउंस आ रहा है बल्ला जो है उस जो मिडल है बल्ले का उसको पहले से आपको फैक्टर इन करना होगा बाउंस को। या और खासकर राजीव आप जिस प्रकार जो बॉटम हैंड है, नीचे का हाथ है, जो पावर का इस्तेमाल करते हैं, ये साझेदारी अगर आप देखें 39 रनों की,
और ध्रुव बिल्कुल विपरीत खेल रहे हैं, ये स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, सिंगल डबल ले रहे हैं और इस सिंगल के साथ अर्धशतक पूरा करते हुए ध्रुव शर्मा एक और बेहतरीन पारी उनके द्वारा 50 रन 38 गेंदों में एक छक्का और 7 चौके और स्ट्राइक रेट अतुल बहुत जबरदस्त। देखिए T20 में औसतन स्ट्राइक रेट है इतना जबरदस्त नहीं है, पर चूंकि आप एक छोर संभाल के रख रहे हैं और आप रिक्वायर्ड रन रेट पे जा रहे हैं क्योंकि प्रेशर नहीं आप पे, अगर बड़े शॉट्स लगाना है तो वो काम राजीव का है, तो अपना रोल बड़ा अच्छा समझ रहे हैं। ये देखिए ये है आपके पूरे रडार में और बड़ा छक्का, और जब मिडिल करते हैं राजीव तो बहुत दूर मारते हैं, कहते हैं ना स्टैंड एंड डिलीवर। Who do you think is the most handsome cricketer? Undoubtedly Sudeep. So you have a crush on him as well? I think all the girls do. So do you all fight amongst each other to gain that attention from him? Not really, because I think all the girls are intimidated as well by him. So intimidated? आप लोगों से डरती हैं? थोड़ा सा। क्यों, किस बात पर? क्योंकि वो डांटते हैं सबको। Yeah, maybe. I could see that. सबको डांट रहे हैं। क्योंकि he's quite the taskmaster really, so he's very dedicated to. That's the most important thing. So does he know कि आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा crush है उन पर? Does he know about that? नहीं नहीं, I don't think he knows this. Please उनको बताना मत। Yes, and there is Sudeep. You can see as we were talking about him, he's looking very stressed. क्या वाकई में वो इतने stressed हैं? No, he has very strong eyes. Those are his, उसका आंखें ऐसे हैं. He has very like, you know, his face is very you know, always like that. So yeah. But you know what? You guys are so far requiring a run rate of 8.5. Do you think it's a gettable target? क्या आप लोग को लगता है ये आसानी से आप पहुंच जाएंगे कि अड़चने दिख रही हैं रास्ते में? I think it's possible, yaar. 100%. I think it's possible. It's very possible. But of course, nothing can be said until the last moment. So, hum wait karenge. Dekhenge kya ho jayega. Are wah! Wow! There you go! Oh, God! God! My God, a misfield once again. That could have been a catch of the evening. Good play, good play. जब ऐसी situations होती हैं, तो आपके ज़हन में क्या होता है? I can see you actually biting your nails. Parvati. Yeah, it is actually a very yeah, I'm nervous now. Of all the three emotions, I'm pretty nervous and a little tensed. We really need to make it, so yeah. And there you go. Are aur ye laga chauka. Isko hum log keh rahe the lapeta shot. Aap maarne ki koshish karte hain front pe, par edge lag ke piche chali aati hai. As long as the runs come, that's what counts, right? Yep. तो बताइए कल वैलेंटाइंस डे है, व्हाट्स द प्लान ऑफ एक्शन? नो प्लान, वी विल बी बिजी विद द फाइनल्स आई गेस। दैट इज द कॉन्फिडेंस हां, होपफुली या। तो कोई है वैलेंटाइन लाइफ में कि नहीं? नहीं यार, झूठ मत बोलिए आप यार। सीरियसली हां, कोई नहीं, खूबसूरत एक्ट्रेस नहीं है सीरियसली। अच्छा, और ये वो मीडिया वाले आंसर्स है क्या? नहीं सीरियसली, आई एम वेरी ऑनेस्ट। एंड व्हाट अबाउट यू शर्मिला, एनी स्पेशल पर्सन? अभी तो कोई नहीं है, बट मुझे यकीन है कि एक साल बाद कोई होगा। एक साल बाद कोई होगा, फिलहाल आप देख रही हैं कि बहुत सारे एक्स्ट्रास हो रहे हैं एंड यू कैन सी राइट नाउ हाउ योर ऑपोजिशन टीम इज रिएक्टिंग। दे हैव गॉट वेरी सीरियस, यानी वो तो बहुत बहुत टेंस लग रहे हैं, तो मुझे आई थिंक वी आर मोर चिल्ड आउट देन दैट फॉर श्योर। यू आर मोर चिल्ड आउट देन द ऑपोजिशन टीम, बिकॉज़ आई थिंक वी आर क्वाइट डेडिकेटेड, राइट? बिकॉज़ एंड देयर यू गो, अ चौका। आई थिंक आप लोग जब से कमेंट्री बॉक्स में आए हैं, इट्स गुड लक फॉर योर प्लेयर्स। आई थिंक सो टू। आप लोग यही बैठो दिन भर, रात को शायद हम यही बैठेंगे इसके बाद। नॉन स्टॉप यही पे बैठे जाइए मत, वहां जाने से फायदा कुछ नहीं है। और आई थिंक आप हमारे लकी मैस्कॉट है, तो वाह, मैं बस आपका लकी मैस्कॉट, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। सो यू टेल मी, सो यू योर से एक साल बाद आपका वैलेंटाइन आने वाला है, ये भविष्यवाणी है क्या? शायद आई थिंक आफ्टर 1 ईयर आई विल प्रोबब्ली फाइंड समबडी। आई डोंट नो, आई हैव द होप to find somebody after you. And you have a lot of hope going on here right now with another four. Can you see the response? Oh my God, that's fantastic. 135 for 2 in